नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राम स्वरूप पासवान ने मोदी सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि किसान, छात्र और आमजनों को मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। एक तरफ नोटबंदी और जीएसटी से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता की कमर तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए, नहीं तो हम जनहित के लिए उग्र प्रदर्शन जारी रखेंगे। मौके पर ओम प्रकाश सिंह कुमार, रत्नेश ठुल्लू, कमल किशोर कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कि आज 85 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया, ये जनहित के हित में अन्याय है, जुल्म है। नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से देश की जनता को नीचे के कगार पर बैठा के छोड़ दिए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी, देश से वापस जाओ, देश के हित में नहीं है, तुम झूठा है, अपना इस्तीफा सौंप दो, चुनाव करा, अभी चुनाव करा। हर मोर्चे पर भारत के प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं। जहां तक उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 1.5 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, न युवाओं को रोजगार मिला है, न किसान का कर्ज मुक्त हुआ।